हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली लेडी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। ये एक्चुअली स्वाति भामरा जो एक फेलो यूट्यूबर हैं उनका इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। शी इज़ एन अमेजिंग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना स्किन केयर थोड़ा सा कर लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। आईब्रोज को थोड़ा सा थिक एंड ब्लैक रखा हुआ है। आप ये स्टेप कोई भी ब्रो पोमेड या ब्रो किट से भी आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से उनको जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको निकाल दूंगी। यहाँ पे फिर मैं ले रही हूँ डार्क ग्रीन कलर। जैसा उन्होंने अप्लाई किया है, मेकअप लुक किया है, आई मेकअप, उसी तरीके से मैं यहाँ पे कलर्स पिक कर रही हूँ। तो मैंने क्रीज और मैं उसको सिर्फ अपने आउटर वी पे लगाऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पीच कलर, लाइट पीच कलर, जिसको मैं अपना पूरी लिड पे लगा लूँगी एंड क्रीज एरिया में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये मेरा ट्रांजिशन शेड भी है। इसके बाद वो अगेन मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लूँगी और अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे सेम पैलेट में से लाइट ग्रीन कलर ले रही हूँ। सो ये इसका पिगमेंटेशन इस पैलेट का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मैंने ड्रग स्टोर से ही खरीदा था, लोकल मार्केट से। सो मैं अपनी फिंगर्स के हेल्प से इसको अच्छे से प्लेस कर लूँगी। और इट्स अप टू यू, आप जितना भी डार्क आई मेकअप करना चाहते हैं, डार्क कलर का पिगमेंटेशन चाहते हैं, आप उतने कोट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरा एक क्लिप स्किप हो गया है, मिस हो गया है। मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर्स पे येलो कलर अप्लाई किया है, जो कि मेरी ड्रेस में भी है, कुर्ते में भी है। कुर्ते में लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड येलो कलर है। तो ये तीनों कलर हमने अप्लाई किए हैं और सेम सीक्वेंस में मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी अच्छे से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर्स में हाईलाइट ले रही हूँ। ये सेम पैलेट में से येलो हाईलाइट है। इसके बाद मैं अपनी ब्रोबोन को हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया है आईलाइनर एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कोल काजल। इसके बाद अब यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी और आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड मस्कारा लगाने के बाद लास्ट स्टेप है आई मेकअप के लिए फॉल्सीज। यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट पीची पिंक कलर में है ब्लश और इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी चीक्स पे। उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट है। अब बहुत मिनिमल हाइलाइटर अप्लाई करूँगी मैं जितने भी मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे। सो आप ये आप पे डिपेंड करता है, आप फिंगर से ही लगाना चाहते हैं फिंगर से लगा लीजिए, ब्रश से लगाना चाहते हैं ब्रश से लगा लीजिए। एंड हियर इज़ द फाइनल आई मेकअप लुक। और यहाँ पे मैंने फॉल्सीज भी कर ली हैं अप्लाई। अब मैं यहाँ पे लिप शेड लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया बेला वॉस टेका पिंक, बिकॉज आपकी आईज जब आप हैवी मेकअप करते हो या आईज पे आपके डार्क मेकअप होता है तो आपको लिप्स थोड़े से सटल रखना चाहिए। उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पैशनेट पिंक फ्रॉम कलर सेंस। एंड यहाँ पे मेरा मेकअप लुक तैयार हो चुका है। एंड मैं यहाँ पे एसेसरीज ले लूँगी। यहाँ पे वहाँ पे स्वाति जी ने ब्लैक मेटल की एसेसरीज डाली हुई हैं। सो आई डोंट हैव द सेम ईयर रिंग्स का सेट, तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास हैं वो मैंने डाल लिए हैं एंड रिंग पहन ली है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। सो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लुक और ये स्वाति जी से रिजेम्बल कर रहा है या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पे रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जो भी सजेशंस हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट गाइज, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट।